Hey guys, welcome back once again to another video. मेरा नाम है दीपांशु और मैं स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ. सो अभी फ़िलहाल मैं हूँ ज़ारागोज़ा सिटी ऑफ स्पेन, जो कि मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में आती है. सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वाई यू शुड स्टडी इन स्पेन. तो बहुत सारे मिथ्स और डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ, वेदर यहाँ पर जो स्टडीज़ है वो आइल्स के बिना हो सकती है या नहीं, या फिर यहाँ पर फ्री एजुकेशन है या नहीं, या यहाँ पर पीआर और स्टे बैक ऑप्शन कैसे गया. तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. तो सबसे पहले हम थोड़ी सी स्पेन के बारे में अगर बात करें तो स्पेन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन सदर्न यूरोप साइड की, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 47 मिलियन है. तो काफ़ी अच्छी पॉपुलस कंट्री है. और द बेस्ट पार्ट व्हाट आई लाइक अबाउट स्पेन इज़ वन ऑफ द हाई इनकम कंट्री, मतलब रिच कंट्री में से एक है. तो आपको एक अच्छा पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से. और स्पेन के बहुत सारे फन फैक्ट्स भी है. अगर आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखी होगी तो उसमें बताया था कि यहाँ पर जो ला तोमातिना टोमेटो फेस्टिवल बहुत फेमस है, यहाँ पर बुल फाइट बहुत फेमस है, और यहाँ पर एक सीएस्टा होता है जिसमें ये लोग स्पेनिश पीपल 1 to 5 o'clock के बीच में दे टेक रेस्ट, और उस टाइम पर एक ही शॉर्ट नैप लेते हैं वो, इसलिए ताकि ये अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर पाए. और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, स्पेन इज़ ऑल अबाउट पार्टी एंड क्रेजी फुटबॉल लवर्स. फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मैं एक ही स्टेटमेंट में डिस्क्राइब करने वाला हूँ, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू इन्जॉय योर इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइफ दैन स्पेन इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू. मैंने लाइक आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम इटली, फ्रॉम अमेरिका जो यहाँ पर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. तो चलिए विदाउट डिटेलिंग मोर अबाउट दिस थिंग्स लेट्स कम टू अवर टॉपिक. सो द फर्स्ट रीज़न व्हाई आई एम टेलिंग यू और इंसिस्टिंग यू टू स्टडी इन स्पेन इज़ दैट, क्या एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट व्हाट वी वांट कि यार कोई भी एक यूनिवर्सिटी हो अब्रॉड में जिसकी ट्यूशन फीस कम हो और वहाँ पर हम एडुकेशन ले सके. तो ऐसी बहुत सारी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएगी स्पेन में, जिनकी ट्यूशन फीस जो रेंज करती है 2000 यूरो से लेकर 6000 यूरोस के बीच में स्पेनिश पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में. ऐसी बहुत अदर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली आपके कोर्स पे. अगर कोई ज़्यादा पॉपुलर कोर्स होगा तो उसकी जो ट्यूशन फीस है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज जो फीस है यहाँ पर स्पेनिश पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वो मैंने आपको बताई है. और स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़. तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप अफोर्डेबल कंट्री चूज़ कर रहे हो और अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीसेस, राइट. द सेकेंड रीज़न बिहाइंड स्टडिंग इन स्पेन इज़ लो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़. तो यहाँ पर यू विल फाइंड यूनिवर्सिटी रेसिडेंसेस में ही आपको शेयर्ड फ्लैट्स या इंडिविजुअल अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, और या तो आप चाहे तो यू कैन स्टे आउटसाइड ऑल्सो. तो इसका टोटल कॉस्ट लाइक इन ज़ारागोज़ा स्पेशली जिस सिटी में अभी मैं हूँ वहाँ पर 250 यूरोज आपका पर मंथ का रेंट लगने वाला है. अगर आप मुझसे मैड्रिड और बार्सिलोना की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका एक्सपेंसिस नियरली 350 to 400 यूरोज रेंट का आने वाला है. अगर हम लोग ओवरऑल लिविंग एक्सपेंसिस की बात करें तो फूड, रेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग अगर इंक्लूड करें तो आपका टोटल कॉस्ट 500 यूरोस से लेकर 600 यूरोस तक आ सकता है स्पेन में, जो कि कम है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज. तो दोनों चीज़ें हमारी बेटर होगी, एक तो अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ भी हमको मिल रही है और साथ ही साथ यहाँ पर लो लिविंग कॉस्ट भी मिल रहा है. एंड यू नो गाइज देर आर मैनी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ इन स्पेन जिनकी रैंकिंग कंसिस्टेंटली QS रैंकिंग में टॉप पर आती है. और साथ ही साथ मुझे बेस्ट पार्ट ये लगता है स्पेनिश यूनिवर्सिटीज़ का कि ये लोग रिसर्च और रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और इसी की वजह से आपको यहाँ पर क्वालिटी स्टडीज़ मिलने वाली है. फोर्थ रीज़न आई वुड से कि यार यहाँ पर देखिए कुछ लोग स्पेनिश लैंग्वेज को एज एन हर्डल या ऑब्स्टेकल मान सकते हैं यहाँ पर कि स्पेनिश है तो हम क्यों यहाँ पर स्टडीज़ करें, बट आई थिंक इट एज एन एसेट बिकॉज यू नो वॉट गाइज स्पेनिश इज़ द सेकेंड वाइडेस्ट लैंग्वेज स्पोकन इन दी वर्ल्ड. तो अगर इफ़ यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस लैंग्वेज देन वाई टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी, राइट. एंड द फिफ्थ रीज़न कम्स इन द लिस्ट इज एक्चुअली दिस इज़ नॉट द रीज़न बट स्टिल ये डाउट था बहुत सारे स्टूडेंट्स का, इसलिए मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ कि विदाउट आइल्स whether we can study here in Spain without IELTS or not. So guys, there are some universities which will provide you admission without IELTS, but most of the universities में आपको IELTS के requirement रहेगी. And guys, IELTS को ऐसा obstacle ना समझे, you can just randomly give it and easily आप 5.5 bands तो score कर ही लोगे. तो बस ये है कि थोड़ा आपका 13,000 rupees का आपका IELTS exam देना रहेगा and that you can easily score 5.5 bands at least, जो कि यहाँ पर requirement होती है. तो IELTS से घबराए ना, उसको दीजिए. और ये जो यूनिवर्सिटीज़ आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं तो ये यूनिवर्सिटीज़ आपको विदाउट IELTS भी एडमिशन दे देगी. नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे कि यार यहाँ पर एडुकेशन फ्री है या नहीं,
तो गाइस 50-50 कह सकता हूँ मैं। देखिए मैंने जो आपको ट्यूशन फीस बताई थी वो यहाँ पर स्पेनिश यूनिवर्सिटीज़ में पे करनी पड़ती है, लेकिन देर आर मैनी यू नो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स, स्पेनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, अदर ऑर्गेनाइजेशनल स्कॉलरशिप जो कि आपकी ट्यूशन फीस को या तो फुल्ली एग्जम कर लेती है या पार्टली एग्जम कर देती है। तो इस तरीके से भी आप अपने एजुकेशन को फ्री बना सकते हो एक हद तक। उसके लिए आप क्या करिएगा, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स हैं उन पर स्कॉलरशिप पोर्टल दिए रहते हैं वहाँ पर, और उनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक करके आप उनकी एप्लीकेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उस स्कॉलरशिप से कितनी आपकी ट्यूशन फीस जो है वो एग्जेम्प्ट हो रही है। तो इस तरीके से काइंड ऑफ आप यहाँ पर फ्री एजुकेशन भी ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम स्टे बैक ऑप्शन की बात करें तो गाइज यू गेट 1 ईयर रेसिडेंस परमिट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बैचलर और मास्टर डिग्री कोर्स। तो 1 ईयर के उस टाइम पीरियड में यू कैन लुक फॉर अ जॉब और इधर यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस एज वेल। तो इस तरीके से आप स्टे बैक का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम PR की बात करते हैं तो गाइज PR में यू नीड टू स्टे कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स इन स्पेन टू अचीव और टू अप्लाई फॉर दी परमानेंट रेसिडेंसी इन स्पेन। तो ये सीन था इसका। और यू नो गाइस अगर हम पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें तो पार्ट टाइम जॉब्स लीगली यहाँ पर यू कैन वर्क 20 आवर्स पर वीक एंड यू कैन अर्न अराउंड 7-10 यूरोस पर आवर। और यहाँ पर बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट से मिले थे जो KFC में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप रेस्टोरेंट्स ये KFCs मैकडोनल्ड्स और साथ ही साथ आप डिलीवरी में भी जॉब कर सकते हैं जिससे आप एक अच्छा पे अर्न कर सकते हैं और आपका लिविंग कॉस्ट को एटलीस्ट बियर कर सकते हैं। और जहाँ तक जॉब्स की बात रही तो यहाँ पर आफ्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है, एम्प्लॉयबिलिटी रेट है स्पेन का, और उसी की वजह से लाइक यू कैन एक्सपेक्ट लाइक 14,000 यूरोस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बैचलर्स। अगर आप स्पेन से कंप्लीट करते हैं बैचलर्स तो आप एटलीस्ट 14,000 यूरोस पर ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी इनकम, और हाई एम्प्लॉयबिलिटी है जैसा मैंने बताया। और साथ ही साथ स्पेन का हाई वीज़ा रेशियो है, जब अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं तो डेफिनेटली आपका वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। नाउ कंक्लूजन में ये निकालना चाहूँगा इस पर, अगर मेरी ओपिनियन चाहते तो वो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट व्हाट वी वांट, एक अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़, लो लिविंग कॉस्ट, साथ ही साथ अगर वीज़ा रेशियो भी अच्छा मिल जाए और पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हो अगर दूसरी कंट्रीज से, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई ऑप्शन हो सकता है। और लिटरली आई एम स्टेइंग इन दिस कंट्री, मैं मतलब प्यार हो गया मुझे इस कंट्री से, आई जस्ट लव स्पेन, और मेरी फेवरेट कंट्रीज में से थी ही पहले भी, तो आज भी है ये। तो फाइनली ये कहना चाहूँगा, और नेक्स्ट वीडियोस जो आने वाले हैं वो मेरे कि आप स्पेनिश यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट्स होती है और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में हम। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।